नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सादत हसन मंटो का एक ड्रामा सुना रहा हूँ, जिसका उन्वान है गालिब और सरकारी मुलाजमत। तो सुनिए, गालिब और सरकारी मुलाजमत। हकीम महमूद खां मरहूम के दीवान खाने के पीछे ये जो मस्जिद के अकब में एक मकान है, मिर्ज़ा गालिब का है। इसी की निस्बत आपने एक दफ़ा कहा था, मस्जिद के ज़ेर साया एक घर बना लिया है, ये बंदे कमीना हमसाए खुदा है। आइए हम आपको दीवान खाने में ले चलें, कोई हर्ज नहीं। रात है तो क्या, मिर्ज़ा साहब के यहाँ यकीनन इस वक्त भी रौनक होगी। रौनक तो खैर इतनी नहीं, लेकिन मुंशी शिव नारायण मौजूद हैं मिर्ज़ा साहब से कागज़ लेते हुए। मुंशी शिव नारायण, तो क्या सचमुच ये गज़ल आपकी नहीं? गालिब भिन्ना कर, भाई हाशा सुम्म हाशा, अगर ये गज़ल मेरी हो, असद और लेने के देने पड़े हैं लाहौल वाला। इस गरीब को मैं कुछ क्यों कहूँ, लेकिन अगर ये गज़ल मेरी हो तो मुझ पर हजार लानत। इससे आगे एक शख्स ने ये मतला मेरे सामने पढ़ा और कहा, किबला आपने क्या खूब कहा, असद इस जफा पे बुतों से वफा की। मेरे शेर शाबाश रहमत खुदा की। मैंने उससे कहा, अगर ये मतला मेरा हो तो मुझ पर लानत। बात यह है कि एक शख्स मीर मानी असद हो गुजरे, और ये गजल उन्हीं के शानदार कलाम का नमूना है। मुंशी शिव नारायण, तुम तर्ज तहरीर पर भी गौर नहीं करते। मुंशी शिव नारायण कागज तय करके जेब में रखते हुए, मुझे अफसोस है। मिर्ज़ा गालिब का नौकर कल्लू दाखिल होता है। कल्लू, हुजूर मुंशी गुलाम रसूल साहब आए। गालिब, तशरीफ लाएं। कल्लू कमरे से बाहर जाता है और मुंशी गुलाम रसूल दाखिल होते हैं। गुलाम रसूल, तस्लीम बजा लाता हूँ मिर्ज़ा साहब। गालिब, तस्लीम। कहिए, क्यों कर आना हुआ मुंशी साहब? गुलाम रसूल, मिस्टर थॉमसन साहब, सेक्रेटरी बहादुर ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज किया है। उनका ख्याल है कि जनाब को कॉलेज में फारसी का उस्ताद मुकर्रर करें। मुंशी शिव नारायण, मुबारक हो मिर्ज़ा साहब। गालिब, भाई पूरी बात तो सुन लो। हाँ तो और क्या मुंशी साहब? गुलाम रसूल, उन्होंने कल 10 बजे आपको बुलाया है। गालिब, बेहतर, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्ज कीजिएगा और कहिएगा कि जहे नसीब आपने मुझे मुंतखब फरमाया है, मेरा शुक्रिया कबूल हो। गुलाम रसूल, तो मैं सेक्रेटरी साहब बहादुर की कोठी के पाए बाग में हाजिर रहूंगा, और जो ही आप तशरीफ लाइएगा फौरन आपकी तशरीफ आवरी की खबर करूंगा। गालिब, आपकी नवाजिश है, मैं वक्त पर हाजिर हो जाऊंगा। गुलाम रसूल, अच्छा तो मैं इजाजत चाहता हूं। मुंशी गुलाम रसूल कमरे से बाहर चले जाते हैं। मुंशी शिव नारायण मुस्कुराते हुए, अब तो इजाजत है मुबारकबाद देने की। गालिब मुस्कुराकर उठते हैं, नहीं सबसे पहले मुझे अपनी बेगम की मुबारकबाद लेने दो।
मिर्ज़ा गालिब जनान खाने में खुश खुश दाखिल होते हैं। क्या देखते हैं कि उमराव बेगम बैठी वुजू कर रही हैं। उन्हें देखते ही उन्होंने मुंह सुजा लिया और कहना शुरू किया, उमराव बेगम आज दो रोज से कह रही हूं कि एक वक्त मेरे पास बैठकर ठंडे दिल से मेरी चंद बातें सुन लीजिए, पर आपको फुर्सत कहां। गालिब पास ही चौकी पर बैठकर, बेगम साहिबा मुझे मालूम है कि आप महीन महीन चुटकियां लेकर नसीहतें या फजीहतें कीजिएगा, खैर फरमाइए। उमराव बेगम चिड़कर, देखिए फिर आपने तानो तर्ज की बातें शुरू कर दी। गालिब ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए, अच्छा जो आप कहना चाहती हैं कहिए। उमराव बेगम, मैं कहती हूं कि कब तक घर का आसासा बेचकर गुजरान होगी, किस तरह ये बेल मंडे चढ़ेगी, कर्ज किस सूरत से अदा होगा। एक कर्ज जाए जहन्नुम में, रोजमर्रा के मसारिफ किस तरह पूरे होंगे। अब तो लत्ते बदन पर झूलने का जमाना आ गया है। गालिब पुरअसरार तरीके पर मुस्कुराते हुए, आप घबराइए मत, खुदा ने सुन लिए। चौकी पर से उठ खड़े होते हैं। उमराव बेगम, क्या सुन लिए खुदा ने। गालिब फातिहाना अंदाज में, आपके वजीफों की बरकत है, मिस्टर थॉमसन बहादुर ने मुझे बुलाया है, कॉलेज में फारसी जबान का उस्ताद मुकर्रर करना चाहते हैं और यकीनी तौर पर मेरी एक ऐसी जात है जो इस ओहदे के लायक है। उमराव बेगम, अपने मुंह मियां मिट्ठू। गालिब जी सुन तो लीजिए, कम से कम कुछ नहीं तो 100-150 रुपया माहवार तो मुकर्रर हो ही जाएगा, लीजिए आप खुश हो जाएं। उमराव बेगम लोटा लेकर उठते हुए, हो गई। गालिब तो जरा हंस दीजिए। उमराव बेगम, एक चोंचले ना बगारिए। गालिब खुश तबई से, नहीं मेरी जान की कसम, हंसो ताकि जरा मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान हो। उमराव बेगम खिलखिलाकर हंस पड़ती है। गालिब इत्मीनान के साथ, खुदा मेरी बेगम को हंसता ही रखे। भाई उमराव बेगम, तुम गालिब की रूह रवा हो। उमराव बेगम, अब अपनी शायरी रहने दीजिए और साहब सत्तर बहादुर के यहां जाने की तैयारी कीजिए। दूसरे रोज सुबह को मिर्जा गालिब मिस्टर थॉमसन से मुलाकात करने के लिए तैयार होने लगे। गालिब मुस्तरिब हालत में, क्यों मियां मदारी, ये कल्लू दारोगा कहां गए। मदारी, कि अभी तो यहीं थे हुजूर, शायद मौज़म अली इत्र फरोश की दुकान पर बैठे होंगे। गालिब जरा बुला लाना, मुझे साहब सत्तर बहादुर के यहां जाना है, मेरे दरबारी कपड़े निकाल दें। मदारी कदमों की चाप सुनकर, लीजिए कल्लू दारोगा आ गए। कल्लू दाखिल होता है। कल्लू, आपने मुझे याद फरमाया। गालिब, भाई कल्लू तुम कहाँ दिन भर गायब रहते हो। कल्लू, क्या हुक्म है सरकार। गालिब, जरा मेरे दरबारी कपड़े निकालो, मुझे आज 10 बजे सेक्रेटरी साहब बहादुर के यहाँ जाना है। कल्लू जाकर पलटते हुए, क्यों सरकार, वो शाली चोगा
और दस्तार तो जरूर जरूर निकाली जाएगी, जोड़ा कौन सा निकाला जाए। गालिब, वो टांडे की जामदानी का अंगरखा या वो रेशमी धारीदार कलमकार, और जूता वही सलीम शाही जो आज 8 रोज हुए मैंने खरीदा है। हाँ, और एक शाली रुमाल भी निकाल लेना। दरबारी कपड़े पहनकर मिर्जा गालिब तैयार हुए और हवादार में सेक्रेटरी साहब बहादुर की कोठी पर पहुंचे। मुंशी गुलाम रसूल पाए बाग में 9:45 बजे से उनकी तशरीफ आवरी के मुंतजर थे। जू ही कहारों ने हवादार को कंधों से उतारा, मुंशी गुलाम रसूल मिस्टर थॉमसन बहादुर का खबर देने के लिए कोठी के अंदर दाखिल हुए। गुलाम रसूल, सरकार मिर्जा गालिब सलाम अर्ज फरमाते हैं और कहते हैं, हसबुल हुक्म मैं हाजिर हूं। थॉमसन घड़ी देखते हुए, बहुत पाबंदी है वक्त से तशरीफ लाए। अच्छा, सलाम दो और कहो तशरीफ लाए। मुंशी गुलाम रसूल बाहर आए, गालिब चहलकदमी कर रहे थे। गुलाम रसूल, हुजूर तशरीफ ले चलिए, साहब बहादुर याद फरमाते हैं। गालिब हैरत से, क्या कहा? गुलाम रसूल, आपको बुलाया है हुजूर? गालिब, बुलाया है? दस्तूर के मुवाफिक साहब सख्तर बहादुर मुझ नाचीज को लेने नहीं आएंगे, और लेने नहीं आएंगे तो मैं चला। गुलाम रसूल, बेहतर मैं जाकर अर्ज करता हूं। मुंशी गुलाम रसूल एक बार फिर अंदर गए और मिस्टर थॉमसन से कहा। गुलाम रसूल, हुजूर फरमाते हैं कि हस्ब दस्तूर मेरे लेने को आए तो मैं चलूं। थॉमसन मुस्कुराकर, बिगड़े दिलो दिमाग वाले मालूम होते हैं, चलो मैं खुद उनसे बात करता हूं। मिस्टर थॉमसन कोठी से बाहर निकले, मिर्जा गालिब से हाथ मिलाया। थॉमसन, तस्लीम अर्ज करता हूं मिर्जा साहब। गालिब, कॉर्निश बजा लाता हूं। थॉमसन, आप अंदर तशरीफ क्यों नहीं लाए? गालिब, दस्तूर के मुवाफिक आप मुझ नाचिस को लेने आते मैं हाजिर होता। थॉमसन मुस्कुराकर, मिर्जा साहब जब आप दरबारे गवर्नरी में तशरीफ लाएंगे तो आपका इसी तरह इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन इस वक्त आप नौकरी के लिए आएं, इस मौके पर वो बर्ताव नहीं हो सकता। गालिब, क़िबला, गवर्नमेंट की मुलाजमत का इरादा करके हाजिर हुआ हूं और ये उम्मीद थी कि इस मुलाजमत से कुछ इज्जत ज्यादा हो जाए, ना इसलिए कि रही सही इज्जत पे भी फर्क आ जाए। थॉमसन, मैं कायदे से मजबूर हूं। गालिब, हवादार की तरफ जाते हुए, तो मुझे इस खिदमत से माफ रखा जाए, तस्लीम अर्ज है। थॉमसन, तशरीफ ले जाइएगा। गालिब हवादार में बैठ जाते हैं और कहारों को हुक्म देते हैं कि वापस घर चलो। वापस आए तो क्या देखते हैं? घर के बाहर अपाहिजों और भिखारियों का हुजूम जमा है और बी रहीमन उनमें खैरात बांट रही है। मिर्जा साहब को सख्त हैरत हुई, जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हुए। सहन में पहुंचे तो देखा कि तख्त पर उमराव बेगम दुगाना अदा करने में मशगूल है। उन्होंने सलाम फेरते ही मिर्जा साहब को मुखातिब किया। उमराव बेगम, अल्हम्दुलिल्लाह, कहिए, खुदा का फजल हो गया? गालिब, तख्त पर बैठते हुए, जी हाँ, हो गया। उमराव बेगम, क्या मतलब? गालिब, मतलब ये कि रही सही इज्जत मिट्टी में मिलने से बच गई।
उमराव बेगम, हाय ये क्या कह रहे हैं आप? गालिब उठकर तमकिनत के साथ, बेगम इज्जत और नामूस के लिए हम मुग़ल बच्चे मर मिटने वाले हैं। मैं वहाँ इस ख्याल से गया था कि मुलाजमत सरकारी से कुछ इज्जत में इजाफा हो जाएगा, मगर वहाँ साहब सत्तर बहादुर मेरे इस्तकबाल को बाहर ना आए। भला सोचो, मुझे ये बेइज्जती कैसे गवारा हो सकती है? बंदगी में भी वो आज़ाद व खुद भी हैं कि हम उल्टे फिर आए दरे काबा अगर वा ना हुआ। लेकिन मैं पूछता हूँ, ये बाहर खैरात कैसी बट रही है? उमराव बेगम फिक्रमंद होकर, कुछ नहीं। गालिब, कुछ नहीं क्या? तुम तो अभी कल ही कह रही थी कब तक घर का असासा बेचकर गुजरान होगी। उमराव बेगम मुस्कुरा देती हैं। गालिब, अरे भाई कुछ बताओ तो। उमराव बेगम, क्या बताऊं? कल मैंने अपना जड़ाऊ गुलूबंद भी रहीमन से गिरवी रखवा कर कुछ रुपए मंगवाए थे। शहर में आपकी मुलाजमत का चर्चा सुनकर दर पर ये भिखारी जमा हो गए, तो मैंने बी रहीमन से कहा जाओ उनके सर का सदका दे आओ। गालिब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। उमराव बेगम गहरी सोच में पड़ जाती हैं। तो ये था मंटो का ड्रामा, मिर्ज़ा गालिब और सरकारी मुलाजमत। कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।